हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इस बार मैं आई हूँ आप लोगों के लिए एक अच्छा वीडियो लेके, जो है दिवाली के टिप्स से रिलेटेड, जो आपके काम को इजी बहुत ही बना देगा। तो पिछले दिवाली मैंने बहुत ही गलतियाँ की थी, वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप नहीं कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है सिरका और डिश वॉश लिया है और थोड़ा पानी ऐड किया और जितने भी सिल्वर कॉइन थे उन्हें वॉश कर लिया अच्छे से। और इस सॉल्यूशन से, लिक्विड सॉल्यूशन से सारे सिल्वर कॉइन बहुत ही चमक उठे हैं। तो आप क्या करें, दिवाली आने के 3-4 दिन पहले ही जितने भी सिल्वर की चीज़ें आप उन्हें वॉश कर सकते हो। इस तरह से मैंने जितनी भी चीज़ें थी उन्हें वॉश कर लिया 3-4 दिन पहले, नहीं तो मुझे हर बार दिवाली वाले दिन हेडेक हो जाता था। ये सारे काम मैं दिवाली वाले दिन करती थी, तो इस बार मैंने 3-4 दिन पहले ही कर लिया। और जो सॉल्यूशन एक्स्ट्रा बचा मैंने उससे तांबे की, पीतल के जो भी बर्तन थे उन्हें वॉश कर लिया। आप भी जो सॉल्यूशन बना के इस तरह से तांबे पीतल के बर्तन को भी वॉश कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें पहले आप 3-4 दिन पहले ही कर लो, ताकि आपको दिवाली के दिन या दिवाली के 1-2 दिन पहले हेडेक नहीं हो कि ये भी काम करना है वो भी काम करना है। आप दिवाली वाले दिन फ्री से इंजॉय कर सकते हो चीज़ों को। तो ये सारे काम मैंने पिछली दिवाली नहीं किए थे और इस दिवाली मुझे सीखने को मिली। तो मैंने पिछले दिवाली से इस दिवाली बहुत ही प्रोग्रेस किया। दिए जितने भी आए सबको मैंने पानी में पहले ही फुला दिया था और घर का जो डेकोरेशन था थोड़ा बहुत वो भी बीच बीच में करते गई, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें छोटी छोटी चीज़ें टाइम वेस्ट कर देती हैं, जिससे हमारा इन्जॉय होना कम हो पाता है और हम दिवाली वाले दिन थक जाते हैं। जितनी भी बत्तियाँ थी दिए में रखने वाली, तो उन्हें मैंने एक डब्बे में इस तरह से तेल ऐड किया सरसों का और उसके बाद सारी बत्तियों को मैंने डुबो कर रख दिया। ये सारी चीज़ें आप पहले ही कर लो, बहुत ही काम को ईजी बना देती है। आप एक बार इस टिप्स को ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि ये जब दिवाली वाले दिन आप सेम डे करोगे तो आपको बहुत ही थकान फील होने लगेगी। तो ये छोटे छोटे काम हम पहले कर लेंगे तो बहुत ही इजी बन जाता है हमारा काम। मैंने अपनी गलतियों से सीखा, तो मैं चाहती हूँ कि आप वो गलतियाँ ना दोहराए, इसलिए मैंने सोचा एक ब्लॉग इस टाइप से मैं ले आऊँ। जो पूजा की तैयारी करनी थी वो मैंने पहले ही, पूजा के 1 घंटा पहले ही मैंने, आधे घंटे 1 घंटा पहले ही मैंने थाली में सजा के रख दिए। और उसके बाद जो बेडशीट वगैरह लगानी थी वो भी मैंने 1 दिन पहले ही, रात में आप जब भी फ्री हो आप 1 दिन पहले बिफोर लगा लो, ताकि आपको ये सारे काम से आप बच सको दिवाली वाले दिन। और दिवाली वाले दिन आप अपने बच्चे अपने फैमिली को पूरे अच्छे से इंजॉय कर सको। ये सब चीज़ें आप पहले ही कर लो, ताकि आपको कोई भी हेडेक नहीं हो, आपको थका नहीं, क्योंकि मैं पिछले दिवाली बहुत थक चुकी थी। दियो में मैंने तेल भरना, सारी चीज़ें करना पहले ही कर लिया। दिवाली वाले दिन भी मैं आधे घंटे पहले ही सारी चीज़ें करके रख दी। जो कपड़े पहने थे मैंने वो कपड़े निकाले, जो ज्वेलरी पहनी थी वो मैंने निकाल दिया पहले ही, ताकि मुझे दिवाली के दिन ढूंढना नहीं पड़े कि मैं क्या पहनूँ नहीं पहनूँ। आप 2 टाइम पर अगर कुछ भी काम करोगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। अगर आप सारी चीज़ों को पहले से करके चलोगे तो आपका दिमाग और तेज़ दौड़ेगा। जो अगर मिठाई बनानी है वो आप 3-4 दिन से लग जाओ, जो ख़राब नहीं होने वाली है। एक टू डू लिस्ट तैयार कर लो। आपको क्या करना, आपको एक डायरी लेनी है, उसमें आपको कल क्या करना है वो चीज़ें लिख लो, आज क्या करना है वो चीज़ें लिख लो, और उस लिस्ट को बार बार चेक करो कि क्या काम आपने कर लिया, उस पर टिक कर लो, और जो काम नहीं किया उसे फिर से जाके फटाफट कर लो। तो इस तरह से आपको काम भी याद रहेगा और आपकी एक लिस्ट तैयार रहेगी। आप अगर कुछ भी भूले तो आप उसमें से चेक कर लो। तो मैंने जितने भी नमकीन मिठाइयाँ थी जो ख़राब नहीं होने वाली थी 10 दिन तक, तो वो सारी चीज़ें मैंने पहले ही बना ली थी 2-3 दिन, ताकि मैं 1-2 दिन फ्री से इंजॉय कर सकूं सारी चीज़ों को। तो जैसे आपको दाल सौख करना है दही बड़े के लिए, तो वो मैंने पहले कर लिया। दाल को पीसना है वो सारी चीज़ें मैंने पहले ही कर लिया। इन सब चीज़ों छोटी छोटी टिप्स से आप बच सकते, छोटी छोटी टिप्स को अपनाकर अपने घरों में ईजी से काम को आगे निकाल सकते हो और स्मार्ट तरीके से यूज़ कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे मेरा तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पे जो नए हैं फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कीजिए। इसी तरह की वीडियो मैं आगे आप लोगों के लिए और लाऊँगी ऐसे ही टिप्स के। अगर आपको जो पार्ट अच्छा लगा हो इस वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हैं कि आपको कौन सा पार्ट बेस्ट लगा है, और आप कैसे अपनी दिवाली की तैयारियां किए हो आप मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। मेरे साथ इसी तरह वीडियो में बने रहे, और तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही लाऊंगी।